बहाली के नाम पर नौटंकी करनी है। वो जानता है कि इस तरह का पेंच फंसा दो कि लोग माननीय न्यायालय के शरण में जाए और स्थगित हो जाए। आज स्थिति है विद्यालय के अंदर कि आधे से अधिक पद रिक्त हैं और सच्चाई है कि 10% भी पुराने जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं नहीं हैं विद्यालय के अंदर। अब बताइए कि नियोजित शिक्षक जो अपना वर्षों की जवानी को लगा दिया, वर्षों का अनुभव ग्रहण किया, उसको आप राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे? CTET BTET के लोगों को आप फिर से परीक्षा दें? ये सारा नियुक्ति घोटाला करने का खेल है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की कवायद में लगे हैं, लेकिन बिहार में लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार आपराधिक घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हैं। विजय कुमार सिन्हा जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, आज खड़गे से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, कैसे देखिए? बिहार में आग लगा कर चले हैं देश की आग बुझाने। जो बिहार नहीं संभाल सके वो देश क्या संभालेंगे? आज प्रत्येक दिन दर्जनों लोग को गोली मारी जा रही है। अब तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि सिगरेट पीने के लिए 20 रुपया मांगा और नहीं दिया तो गोली मार दिया। सहरसा में ब्यूटी पार्लर में लड़की की शादी है, गया वहाँ पर उसको गोली मार दिया। टेम्पो ऑटो चालक जाता है, भाड़ा नहीं देने के नाम पर गोली मार देता है। पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता है, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, और मुख्यमंत्री जी आधे दर्जन मंत्रियों को लेकर अपने स्वार्थ अहंकार की पूर्ति के लिए देशाटन कर रहे हैं। ये बिहार की बर्बादी की एक नई कहानी लिख रहे हैं। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का कांग्रेस के तानाशाह और भ्रष्टाचार के विरोध में इन लोगों को नेता बनाया गया था, श्रीमान लालू यादव और नीतीश कुमार को। आज ऐसे शिष्य निकले कि अपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की आत्मा भी रो रही होगी कि जिसके विरुद्ध हमने लड़ के इसको नेता बनाया, आज उसी के गोद में बैठकर गलबहियां कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को पोषित कर रहे हैं, और मिलने भी किससे जाते हैं? जो अन्ना हजारे जी के विचारधारा को तार तार किया, अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, उस दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, ये सभी भ्रष्टाचारियों की जमात अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक भ्रम फैलाने के लिए वातावरण बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र की धरती है, यह देश की हर जनता इस तरह के विचारधारा जो भ्रष्टाचारियों के विचारधारा को पोषित करता है इसको कभी विश्वास नहीं करेगा और कभी इसका साथ नहीं देगा। नीतीश कुमार बिहार में बैठक की बात कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता आएंगे, बैठेंगे, क्या लगता है इसका असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा क्या? अब नीतीश कुमार को विकास करना है क्या? बिहार में विकास तो करना नहीं है। जातीय उन्माद पैदा करने के लिए चले तो माननीय न्यायालय ने इनके भाव को गम करके रोक दिया। धार्मिक उन्माद पैदा किए बिहार शरीफ सासाराम में तो वो विचारधारा फैला नहीं। अब ये विपक्षी एकता के नाम पर अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। जो बिहार में अपने बलबूते जनमत नहीं प्राप्त कर सका, अपने बलबूते सरकार नहीं बना सका, बिहार की जनता जिस पर विश्वास नहीं की, उस व्यक्ति के नेतृत्व में देश की जनता कैसे विश्वास करेगा? बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे का गुलछर्रा उड़ाने और फंक्शन और पिकनिक मनाना है तो मना लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, यहाँ के लोग इसका भी जवाब दे देगा। सर, शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला सामने निकल के आ रहा है, शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट में केस कर रहे हैं, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक भी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार इस पर कोई कार्रवाई? देखिए, बहाली करनी नहीं है, बहाली के नाम पर नौटंकी करनी है। वो जानता है कि इस तरह का पेंच फंसा दो
कि लोग माननीय न्यायालय के शरण में जाए और स्थगित हो जाए। आज स्थिति है विद्यालय के अंदर कि आधे से अधिक पद रिक्त हैं और सच्चाई है कि 10% भी पुराने जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं नहीं हैं विद्यालय के अंदर। अब बताइए कि नियोजित शिक्षक जो अपना वर्षों की जवानी को लगा दिया, वर्षों का अनुभव ग्रहण किया, उसको आप राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे? CTET BTET के लोगों को आप फिर से परीक्षा दें? ये सारा नियुक्ति घोटाला करने का खेल है। ये चाहते हैं कि चुनाव के पैसे, मैं पैसे की उगाही कैसे करूं? तो भाई भतीजावाद और बहाली और इस तरह के कमीशन खोरी, दलाली, बिचौलिए गिरी के माध्यम से ये पैसे की उगाही में लगे हैं। इनकी मनसा नीयत साफ नहीं है, कोई भी नीति सफल नहीं होगा। देखिए, तो बिहार में कोई भी नीति सफल नहीं होगा, विपक्षी एकता हो या फिर बिहार में आपराधिक घटना हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली, उसको लेकर नीतीश कुमार से कोई मतलब। नीतीश कुमार भले ही विपक्ष को एकजुट कर ले, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। 24 में नरेंद्र मोदी के पूरे देश में सरकार बनेगी, तो वहीं लगातार बिहार में अराजकता की स्थिति है, आपराधिक घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन विपक्षों को एकजुट करने में लगे। विपक्ष कभी एकजुट नहीं होगा। तो वहीं क्या कुछ कहते बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आपने सुना है। विजय सिन्हा ने यह साफ कहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों से नीतीश सरकार को कोई मतलब नहीं है, बहाली फंसाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। वहीं तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।